कैगो बोला ना। तो अभी फिलहाल बहुत दिनों के बाद इसको निकाले, लगभग लगभग 2 हफ्तों के बाद। तो है व्हाट्सअप ऑल गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज सुबह सुबह मैं उठ गया था और उसके बाद मैं गया था अपना दूध लाने। तो दूध लाने में ऐसे पौधे तो बाइक से जाता हूँ, बट आज गया था पैरों से अपने चल के, क्योंकि आज फॉग हो रहा था। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी में गया तो वीडियो को स्टार्ट नहीं कर पाया, उसका दूध लेके भी आया हूँ तो वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी बैठ के थोड़ा पढ़ेंगे, अब क्या ही करेंगे, एग्जाम आने वाला है। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू कीजिए। सो हे गाइस, आज सुबह सुबह मैं घूमने आया हूँ। जैसा कि देख सकते हो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, पूरा बादल जैसा एकदम गाढ़ा कोहरा दिख रहा है आपको। इसीलिए अभी सुबह सुबह 7:30 हो रहा है, 7:30, और मैं इतने सुबह सुबह अपना नींद खराब करके बस आपको कोहरा ही कोहरा दिखाने आया हूँ। ऐसे तो मैं उठता हूँ 8:30, लेकिन आज थोड़ा जल्दी उठना पड़ा, इसीलिए देख रहे हो ना, थोड़ा अभी दौड़ के आए हैं। तो सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे सरसों का क्या हाल हो चुका है। लग रहा होगा जैसे कि आपको ये फ्रीज हो गया पूरा, ऐसे इस पे पानी का बूंद है पूरा, ओस की वजह से। इतना जो फॉग है ना, तो फॉग से मॉइस्चर गिरता है, जिसकी वजह से इसका ऐसा हाल हो गया। लेकिन लग बहुत खूबसूरत रहा है, और उधर साइड आलू भी है और इधर गहूँ, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है ओस। ये बात आपको पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है ओस गिरता है तभी गेहूँ का खेती अच्छा होता है, जिससे वीट निकलता है आटा। गाइस, मेरा मेन पर्पस था सुबह सुबह उठ के और आने का दूध लेने का, क्योंकि ऐसे तो हम जाते थे दूध लेने बाइक से, लेकिन मैंने अपने दोस्त को बोल रखा था कि भाई जिस दिन भी फॉग लगेगा उस दिन हम लोग जाएंगे, क्या कहा जाता है, पैदल अपने पैरों से। तो आज वो भी आया है। तो गाइस, अभी तो मैं दूध लेके आया था, उसके बाद अभी जा रहा हूँ अपने घर के पीछे जो पिकनिक होने वाला प्लेस है ना, वहाँ पे बुलाया एक आदमी को, बोले थे हम साफ करने के लिए, वो पूरा क्लीन कर दिया। तो अभी चलते हैं, उसको पहले चेकआउट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस, हम लोग नया साल के यहाँ पे साफ करवाए हैं, जैसा कि देख सकते हैं बहिर बाबा हैं जो साफ किए हैं, पैसा दिए थे हम लोग और इसको पूरा साफ कर दिए हैं। और इसी में हम लोगों का 31st नाइट मनेगा। इधर देख सकते हैं पूरा पेड़ पौधा है और इधर से रास्ता बन चुका है। और कई बजे कर दे लुन, कई बजे 5 बजे सुबह से। गाइस सुन रहे हैं, देख रहे हैं गाइस, 5 बजे सुबह में आके, जबकि आज कितना तारीख है, शायद मोस्ट प्रोबेबली आज 29 या 30 है, और आज ही पूरा साफ कर दिया है आज सुबह सुबह। ठीक जंगल में ना। हाँ, पूरा देख रहे हैं ना, भोरवे में आके पूरा साफ कर गया। अभी देखिए गाची का क्या हाल है ठंडी के दिन में, एकदम पूरा फॉग फॉग है, पूरा फॉग फॉग। अपना चीज सो गाइस, अभी पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते मन किया कि थोड़ा सा चिकन बना ले, क्योंकि मौसम हो रहा है बाहर का गाइस एकदम मस्त वाला कोल्ड है आज। तो अभी चिकन जा रहे हैं बनाने और चिकन लिट्टी ट्राई करेंगे। लिट्टी तो पॉसिबल नहीं है, अभी दोपहर हो गया है, लेकिन चिकन बनाते हैं, अभी चलते हैं लेके आते हैं और उसको बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले ले लिया है तेल में जीरा और मिर्च डाल दिया है, उसके बाद हम इसमें अपना प्याज ऐड ऑन करेंगे। प्याज को ऐड ऑन करने के बाद उसके थोड़ी देर तक अच्छे तरीके से भुनेंगे। अच्छे तरीके से भुनने के बाद देख सकते हो प्याज हमारा थोड़ा थोड़ा गल चुका है, तब इसमें हम अपना चिकन को ऐड ऑन करेंगे। चिकन अच्छे तरीके से धोइएगा तभी अच्छा बनेगा। उसके बाद चिकन को अच्छे से इसमें मिक्सअप करेंगे। मैं अकेला हूँ इसीलिए थोड़ा हमको प्रॉब्लम हो रहा है मिक्सअप करने में। उसके बाद मिक्सअप करने के बाद जब कुछ ऐसा हो जाएगा तो इसमें आप अपना स्वाद अनुसार 2-3 लहसुन डाल दीजिएगा, जितना आपको खाने का मन है। उसके बाद अपना मसाला, लेकिन हम तो भाई जमा हुआ मसाला ही निकाल के रख दिए फ्रिज में से। उसके बाद थोड़ी देर इसको भूंजेंगे तो कुछ ऐसा कलर हो जाएगा, जो थोड़ा थोड़ा आपको लगने लगा कि जब पकने लगा है तो इसमें आप मीट मसाला देख रहे हैं, मैं चेक भी करके देख लिया हूँ कि पका है कि नहीं। उसके बाद मैंने इसमें फिर से अपना मीट मसाला, गर्म मसाला सब कुछ को ले लिया और उसके बाद मिला दिया है। मीट मसाला गर्म मसाला मिलाने के बाद इसको थोड़ी देर और पकाएंगे और देख सकते हो कितना मस्त बन के तैयार हो चुका है चिकन। उसके बाद मैंने अपने चिकन को सर्व किया और खा के टेस्ट किया जो भी था। हम जा रहे हैं अपना कार चलाने, तो सबसे पहले मुझे ये कवर रिमूव करना पड़ेगा। अपने बैटरी के तार को प्लग इन करेंगे तभी कार स्टार्ट होगा। फाइनली इतने झमेले के बाद मैंने अपने कार को स्टार्ट किया, मतलब कि पहले इसका ये जो था तिरपाल उसको रिमूव करो, उसके बाद फिर बैटरी का तार को प्लग इन करो, उसके बाद फिर ओपन करो, फिर से उसको खोलो, इसको खोलो। इतना झमेला इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत दिनों से बंद रहता है,
तो अगर बैटरी का तार नहीं हटाएंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट्स ना हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल बहुत दिनों के बाद इसको निकाले, लगभग 2 हफ्तों के बाद, क्योंकि बहुत दिनों से ये चला नहीं है। और रात में मैं इसे इसीलिए निकालता हूँ कि रात में लोग नहीं रहते हैं रोड पे। तो चलिए फिलहाल चलते हैं। चला के आ गया हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैंने कार अपने पार्किंग से निकाला था, और जितना झमेला इसको मतलब स्टार्ट करने से पहले होता है ना, उतना ही झमेला इसको उसके बाद बंद करने के बाद ही होता है। इसलिए मैं चलाना नहीं चाहता हूँ। और रखे कार में अगर ये बैटरी का तार नहीं निकालते थे ना, तो पहले बैटरी लो हो जाता था, तो हमें समझ नहीं आता था। तो मिस्त्री से पूछे एक दिन कि बैटरी भाई रखे रखे क्यों लो हो जा रहा है, तो उसी ने बताया था कि जब भी बैटरी हटाना मतलब रखने के लिए तो 2-3 हफ्ते तक सीधा लगा रहता है। तो इसीलिए मैं तार उसका प्लग हटा देता हूँ, उसका जब भी लगाना होता है तो लगा देता हूँ। तो यही अभी कार थोड़ा थोड़ा हम सीख गए चलाने का, थोड़े दिन हम एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक से।